हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जनीश। आज आप लोगों को एक मेडिसिन का नाम बतलाएंगे जो बच्चों को चोट लग जाने के बाद देने वाली मेडिसिन है। तो बच्चों को चोट लग जाने के बाद आप कौन सा मेडिसिन देंगे उसके बारे में बस आप लोगों से हम बात करेंगे। तो उस मेडिसिन का नाम है आर्निका मोंटाना, जिसे पूरा नाम आर्निका मोंटाना, शॉर्ट में आर्निका बोलते हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को देख करके जान जाए। अगर बच्चों को चोट लग जाती है, बच्चा गिर जाता है, उस स्थान पर लाल हो नीला पड़ जाए, हल्का फूल जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उस रीजन में आप आर्निका मोंटाना आर्निका जो मेडिसिन है उसे 33 mg पावर में घर पर रखना चाहिए। दो बूंद सुबह, दो दो घंटा पर दो बूंद दे दीजिए। आर्निका बहुत ही बेहतर काम करती है। और बहुत ज़्यादा अगर चोट है तो आप नज़दीक के फिजिशियन से जाकर के दिखा सकते हैं। हल्का कट या छिल गया है तो आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट वो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, और एक आर्निका ऑइंटमेंट होता है उसे भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन वो कटा उटा नहीं हो तो वहाँ पर लगाना चाहिए। अगर कट छट जाए तो वहाँ पर कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। ऐसे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बस एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि बच्चों को चोट लग जाने के बाद आर्निका मेडिसिन जो है बहुत ही बेटर मेडिसिन है। एक बार फिर आप लोगों को बताएं, चोट लग जाए, लाल हो जाए, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाए, बस आर्निका पावर में 33 mg पावर मेडिसिन ले लें, दो घंटा पर दो बूंदी, बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे आप कैलेंडुला की मदर टिंचर भी घर पर रख सकते हैं। अगर छिल जाए, कट जाए तो वहाँ पर कॉटन से वहाँ पर लगा सकते हैं। इसे कैलेंडुला वाइटमिन मिलता है, वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो बस एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बताएं आर्निका मेडिसिन के बारे में जो बच्चों को चोट लग जाने के बाद दी जाती है। अब बहुत ज़्यादा अगर चोट है तो नज़दीकी फिजिशियन से जा करके संपर्क कर लें। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।